Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous lecture, हम लोगों ने अपना chapter 8 that is all about declaration and payment of dividend के regarding to start किया था. 123 section के regarding हम discussion कर चुके, जिसमें काफी सारी conditions with respect to the declaration and payment of dividend के regarding to थी. क्लियर. एंड नेक्स्ट ऑन अभी जस्ट 124 में हम एंटर किए थे अनपेड डिविडेंड अकाउंट के नाम को लेकर. हमने वहां पे प्रोविजन क्या रीड आउट की सर? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस दिन आपका डिक्लेरेशन की जाएगी, डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाएगा, वहां से विद इन 5 डेज के अंदर वो सारा अमाउंट, डिविडेंड की जितनी अमाउंट है, वो आपको डिपॉजिट करवानी होगी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, जो कि स्केड्यूल्ड बैंक होना चाहिए. क्लियर. एंड ये पेमेंट का जो सिस्टम है, Within 30 days from the date of declaration, within 30 days आपको सारी ये payment का system क्या करना होगा, clear करना होगा. clear. And अगर कोई भी dividend जो unclaimed है या unpaid है, within these 30 days वो complete नहीं हो पाया, then sir ये इस account में नहीं, next 7 days के अंदर आपको ये कहाँ पे लेके जाना होगा, unpaid dividend account में transfer करना होगा. clear. And basically जिस दिन अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ये डिपॉजिट आप करवाएंगे, ट्रांसफर आप ये करेंगे, विद इन 90 डेज वहां से एक डिटेल स्टेटमेंट बनाकर, जिसमें कौन कौन से पर्सन है जिनका ये डिविडेंड पेंडिंग है, क्लियर, कौन कौन से शेयर्स के अगेंस्ट है, उनका नेम, जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, वो सारी डिटेल्स आपको कंपनी की वेबसाइट या मे बी सीजी की ओर से अगर कोई वेबसाइट प्रेस्क्राइब्ड होगी तो वहां पे आपको ये डिटेल्स क्या करनी होंगी, शेयर करनी होंगी. इज दैट क्लियर? सो आफ्टर दैट हम लोगों ने जो टॉपिक यहां पे स्टार्ट करना है, दैट इज ऑल अबाउट सर अनपेड डिविडेंड के लिए. नेक्स्ट आगे पॉइंट था पेमेंट फ्रॉम द अनपेड डिविडेंड. हां जी, स्टार्ट करिए. अ पर्सन हु क्लेम्स टू बी एंटाइटल्ड टू द अनपेड डिविडेंड ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट लाइक द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ सच अमाउंट. सर सिंपल सी बात है, हमने तो ये पैसा, मैंने आपको पहले भी बताया था, कल भी नंबर ऑफ टाइम डिस्कशन हो चुकी कि ये पैसा कंपनी में दोबारा वापस नहीं आएगा. ये सारी अमाउंट पे तो की जाएगी ही जाएगी, या तो शेयर होल्डर को अगर वो क्लेम कर लेता है कल को आके, क्योंकि मेरा जो टाइम लिमिट था, मैंने सर उसको 30 डेज के अंदर क्या करनी थी, पेमेंट करनी थी, बट 30 डेज के अंदर वो मुझे ट्रेस नहीं हो पाया या वॉट एवर बी द सर्कमस्टांसेस, हमने उसका पैसा इस अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर क्या करवा दिया, डिपॉजिट करवा दी, जहां से वो पर्सन कंपनी को अप्लाई करे, बताए कि मेरा जो डिविडेंड है वो अनक्लेम्ड है, वो पेंडिंग पड़ा है, हम इस अकाउंट में से उसका डिविडेंड क्या कर देंगे, पे आउट कर देंगे. क्लियर. नेक्स्ट आगे डिविडेंड मेंजेस डिविडेंड रिमेनिंग अनपेड इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट. सर एक बात बताओ, आपने तो पैसा यहां पे निकाल के रख दिया, चलो जिसको तो होश आ गया वो पर्सन वो तो आकर इस अकाउंट में से क्या करवा लेगा, क्लेम करवा लेगा, एंड कंपनी उसको डिविडेंड पे आउट कर भी देगी. उनका क्या करें जो अभी तक इस कंपनी के पास इतने साल हो गए इस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर किए हुए आए ही नहीं, क्लेम ही नहीं करने आए, स्टिल अभी भी इस अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो क्या है, अपने आप में अनक्लेम्ड है. तो सर क्या करें, पढ़िए सर, यहां पे जितना भी पैसा आपका अभी भी स्टिल अनक्लेम्ड पड़ा है, क्लियर, पढ़िए ट्रांसफर टू फंड, यहां से वो पैसा नेक्स्ट आगे IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए. कब, पहला पॉइंट पढ़िए. एनी मनी ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ अ कंपनी व्हिच रिमेंस अनपेड फॉर 7 इयर्स, अंडरलाइन अनपेड फॉर, कितना टाइम लिखा हुआ है, 7 इयर्स, मतलब सर कंपनी 7 इयर्स तक उस अनपेड डिविडेंड अकाउंट को संभालेगी. क्लियर, कि शायद आज कोई आ जाए, शायद किसी को याद आ जाए कि मेरा डिविडेंड पेंडिंग है, तो हम तो सर 7 साल तक उसका क्या करेंगे, वेट करेंगे. बट अगर 7 इयर्स हो चुके फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर वहां से 7 इयर्स हो चुके, अभी तक वो अनक्लेम्ड है, अभी तक वो पर्सन नहीं आया क्लेम करने, तो सर सिंपल सी बात, यहां से पैसा निकालो सरकार के खाते में, सरकार के अकाउंट में, जिस नाम से क्या दिया गया, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के नाम से इस फंड में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दीजिए. पढ़िए, शेल बी ट्रांसफर बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड हियर इन आफ्टर कॉल्ड एज द फंड. यहां पे जो फंड वर्ड यूज किया गया है वो इसका नाम है, IEPF.
क्लियर? यस। एंड इंटरेस्ट अक्रूड, कॉमन सेंस है सर, 7 साल पैसा वहां पे पड़ा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो भी मिलेगा। अब आप ये थोड़ी कहोगे इंटरेस्ट कंपनी ले जाएगी, बाकी फंड वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं सर, जो भी अमाउंट इस अकाउंट में पड़ी होगी विद इंटरेस्ट, सारे का सारा पैसा आप कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, IEPF अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इंटरेस्ट accrued if any, yes. On such money shall also be transferred to the fund. Yes. Next is furnishing of details. और प्लस IEPF में पैसा भेज रहे हो, सरकारी खाते में पैसा भेज रहे हो, उनको एक लिस्ट बना के तो दे दो, ताकि कल को मेरे पास तो आया नहीं वो मांगने, वो जो शेयर होल्डर है, जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है जिसका डिविडेंड पेंडिंग है, मेरे पास तो नहीं आया, शायद कभी तुम्हारे पास आ जाए। मतलब पॉसिबिलिटी देख रहे हो कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें तुम्हारा डिविडेंड नहीं मिलेगा, इवन पे नहीं हुआ, अनपेड में चला गया, अनपेड में से भी 7 साल में नहीं लिया तो कहां चला गया, IEPF में। पॉसिबिलिटी अब भी है कि शायद वो मेरे पास नहीं आया, तुम्हारे पास आ जाए। IEPF में से भी आप अपना डिविडेंड क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। क्लियर? तो मुझे कंपनी की एक ड्यूटी बनती है, कंपनी की ड्यूटी बनती है कि जब भी फंड में अमाउंट ट्रांसफर करें, साथ में एक लिस्ट बना के दे दो कि ये किन लोगों का पैसा है, ताकि शायद हमारे से कोई मांगने आ जाए, हम तो फिर भी दे देंगे। बट सर, एविडेंस साथ में लेके आना, एविडेंस प्रूव कर, सेटिस्फाई करवा कि ये तेरा पैसा है, ये तेरा डिविडेंड है जो इतने साल तक अनक्लेम्ड रहा, क्यों नहीं तुमने क्लेम करा, जो भी है पैसे तब भी दे देंगे, डिविडेंड तब भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ आगे, When making a transfer to the fund, yes please, the company shall furnish to the authority administering the said fund a statement containing the details of the amount transferred to the fund. बिल्कुल सर, a statement containing the details of the amount transferred to the fund. मतलब सर, इस फंड के अंदर जितनी भी अमाउंट जाएगी, साथ में एक स्टेटमेंट बना, स्टेटमेंट के अंदर डिटेल्स दे, ये भी साथ में उनको क्या कर दे, अटैच कर दे, ताकि शायद, वैसे बताना तो चाहिए, IEPF में जितना भी पैसा होगा आपको बताना तो चाहिए ना कि ये किन का पैसा है, किस बात का ये ट्रांसफर आप वहां पे कर रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द नेम ऑफ द फंड। हाँ, ऑल सच शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड फॉर 7 कंसेक्यूटिव इयर्स शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी इन द नेम ऑफ द फंड। अब हम क्या करें, गुमनाम तो है, ऐसे शेयर्स को रख के हम करेंगे भी क्या, हर बार 7 साल हो चुके, 7 कंसेक्यूटिव, हर बार हम डिविडेंड दे रहे हैं एंड सामने से कोई डिविडेंड को रिसीव नहीं कर रहा, क्लेम नहीं कर रहा, फिर तो ये शेयर्स कौन से हैं, गुमनाम शेयर्स हैं, पता नहीं किसके हैं भाई, फिर तो सर फेक पर्सन है, मैं तो फेक ही मानूंगा, क्योंकि मैं अपनी ओर से क्या कर रहा हूं, हर बार अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं, बट सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई पर्सन इसको क्लेम नहीं कर रहा। तो ऐसे करो सर, अगर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स हो चुके, Still the dividend is not paid or unclaimed. Clear? आप क्या करो, ये shares, dividend तो जाएगा ही जाएगा, dividend तो unpaid में गया, unpaid से कहां गया, IEPF में गया, वो तो जाएगा ही जाएगा, plus इन shares को भी आज आप किस में ट्रांसफर कर दो, इस IEPF सरकार के नाम पे ट्रांसफर कर दो, कि सर हमें नहीं पता ये person कौन है, ये traceable नहीं है जी, 7 साल हो चुके, कभी भी इसकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया, इवन shares भी ट्रांसफर कर दो। Clear? Yes. Next is, at the time of such transfer of shares, the company shall also file a statement containing the... हाँ, बस साथ में एक लिस्ट बना के देते रहना कि ये शेयर्स किसके नाम पे थे, शायद कोई पर्सन जो हमारे पास तो रिप्लाई नहीं दे रहा, हमारे पास तो नहीं आ रहा, आपके नाम से आ जाए। क्लियर? मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, किस बात की पॉसिबिलिटी, कि आप IEPF में फंड में गए शेयर्स, फंड में गया डिविडेंड भी क्या कर सकते हैं, क्लेम बैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी खत्म है कि अब मुझे वो शेयर्स वापस नहीं मिलेंगे, अब मुझे वो डिविडेंड नहीं मिलेगा। सर, आप इवन IEPF में से भी क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। क्लियर? बट सर, कंपनी अपनी ड्यूटी पूरी कर रही, कंपनी ने फंड में डिविडेंड भी ट्रांसफर कर दिया टाइम से, प्लस साथ में जो शेयर्स थे ये भी क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। आगे, In case any dividend is paid or claimed for any year during the set period of 7 years, हाँ, the shares shall not be transferred. Important. अरे सर, आपको ऊपर शायद वर्ड समझ में नहीं आया, आपने वर्ड क्या लिखा था, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या, लगातार 7 साल तक वो पेड नहीं हुआ या अनक्लेम्ड है, किसी भी साल
पे हुआ या उसने क्लेम करा, पे हुआ या उसने क्लेम करा, शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे। शेयर्स की कंडीशन थी, शेयर्स तब ट्रांसफर करना अगर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक कोई डिविडेंड पे नहीं हुआ या क्लेम नहीं हुआ लगातार 7 साल। क्लियर? तो यहां पे क्लियर कर दिया कि किसी साल इसको लिख लो नॉर्मल लैंग्वेज में, किसी साल अगर डिविडेंड पे या क्लेम हुआ, किसी साल अगर डिविडेंड पे या क्लेम हुआ देन शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, देन शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, देन शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। हुआ क्लियर पॉइंट? चले आगे। चलिए जी, नेक्स्ट इज सर राइट टू क्लेम द ट्रांसफर्ड शेयर्स। क्या मेरे पास कोई राइट है कि मैं उन शेयर्स को क्लेम कर सकता हूं? यस, एनी पर्सन हु क्लेम्स सच शेयर्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द फंड, जो ट्रांसफर किए गए थे वो पर्सन कहता है जी ये मेरे हैं, आप क्लेम करते हैं, शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम द फंड। सर आप कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं। क्लियर? मतलब इंटेंशन कभी गलत नहीं है कि आपको आपका पैसा या आपको आपके शेयर्स नहीं दिए जाएंगे। सर आप अपने एविडेंसेस प्रोड्यूस करें, क्लियर, कि ये शेयर्स मुझे अलॉट हुए थे, किसी कारण मैं डिविडेंड कलेक्ट नहीं कर पाया और ये IEPF में ट्रांसफर हो चुके थे, ये मेरे हैं, मुझे वापस कीजिए। सर कर देंगे, कोई इशू नहीं। क्लियर? बट यू हैव द राइट, शेयर होल्डर हैज द राइट कि वो वापस ले सकता है इवन फंड में चले गए हो तो भी। क्लियर? आगे चलिए, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। मैं तो सर कंपनी इस बात से डर रही है, मैंने फटाफट वो IEPF में क्यों ट्रांसफर करे, मैंने उसके शेयर्स भी क्यों ट्रांसफर करे, क्योंकि मुझे तो सेक्शन ने कहा, मुझे तो 124 ने कहा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, वो आए या ना आए, शेयर होल्डर आए या ना आए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम से पूरी करो। पढ़ो, इफ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 124, सच कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ रुपीज, कितना लिखा हुआ है 1 लाख, एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर विद अ फर्दर पेनल्टी ऑफ रुपीज, कितना 500 फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कॉन्टिन्यूज, और वो भी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, कितना 10 लाख। 10 लाख, अब सर वन टाइम जो लगती है वो तो लगती है, ये जो पर डे वाली होती है ना, ये सबसे खतरनाक होती है। और इन काम में ये जैसे इतने प्रोसीजर वगैरह या कंप्लायंसेस करने में डेज निकलते जाते हैं, और ईच डे आपका फाइन कितना लिखा हुआ है 500 पर डे, मल्टीप्लाई करते जाओ, ये सबसे ज्यादा हार्श होती है। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कंपनी तो डिफॉल्टिंग है ही है, बट कंपनी में मेन डिफॉल्टिंग कौन है? ऑफिसर्स। ये ध्यान किसको देना था? ऑफिसर्स को। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, जो डिफॉल्टिंग होगी, ऐसा नहीं सारे, हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ रुपीज 25,000 एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर 100 फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, कितना 2 लाख। मैं तो इस चक्कर में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में से पैसा निकाल के फटाफट किस में डालूंगा? IEPF में डालूंगा, कहीं मेरे ऊपर पेनल्टी ना पड़ जाए, मेरे ऊपर किसी तरह की कॉन्ट्रावेंशन ना हो जाए। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? दो सेक्शन हो चुके, 123 एंड 124। अब चलिए 125, अभी नाम आपने लिया IEPF। क्लियर? 125 सेक्शन नमे एक्ट का पढ़िए, एस्टेब्लिशमेंट। Section 125 empowers CG to establish the investor education and protection. मतलब सर इस फंड को बनाने की जो पावर है वो किसके पास है? सीजी के पास, एंड सीजी ने ये फंड बनाया भी हुआ है। क्लियर? इसी नाम से IEPF नाम से। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्रेडिट्स, क्रेडिट्स टू द फंड। ये बात बताओ सर, इस फंड में जैसे अकाउंट है, अकाउंट में ये पैसा कहां कहां से, मतलब कैसा पैसा इसमें आएगा? क्लियर? अगर मैं बात कर रहा हूं कि सर इसमें क्रेडिट्स आ रहे, कहां से आ रहे, किस बात के क्रेडिट्स आ रहे? सर पढ़िए, फर्स्ट पॉइंट, अमाउंट इन द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग बना हुआ था, पहले तो वहां से सारा बैलेंस उठाओ, नए अकाउंट में शिफ्ट करो जो 2013 के अकॉर्डिंग 125 सेक्शन के अकॉर्डिंग टू बना हुआ है। क्लियर? प्रीवियस एक्ट के अकॉर्डिंग
प्रीवियस फंड जो पड़ा है उसको नए फंड में पहली बात ये ट्रांसफर करो, ओपनिंग बैलेंस क्लियर, प्लस आगे चलिए वर्ड क्या लिखा हुआ है, अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनीज ट्रांसफर टू द फंड अंडर सेक्शन, ये अभी तुम पीछे पढ़ के 124 प्लस साथ में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट एक्रूड देयर, जो पीछे अभी हमने रीड आउट करा सर, ये सारा पैसा इसमें आएगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड है, ड्यू फॉर रिफंड है मतलब हमने तो वापस करने, हमने उस शेयर होल्डर को नहीं देने थे या रिजेक्ट हो गए, वट एवर द केस, ड्यू फॉर रिफंड थे एंड रिमेनिंग अनपेड है, कितने साल के लिए, 7 साल के लिए, वो भी पेंडिंग पड़े होते हैं, कई बार बंदा अप्लाई करके भूल गया एंड कंपनी ढूंढती जा रही है कि आपके पैसे रिफंड करने, बट आप ट्रेसेबल नहीं हो रहे, 7 साल हो चुके, कंपनी 7 साल तक आपका वेट कर रही है, बट वही बात है ना, कंपनी तो इस पैसे को रखने की हकदार नहीं है, क्लियर। तो ये पैसा जो 7 ईयर्स तक क्या है, अनपेड है, आप सरकारी खाते में जमा करवा दो, IEPF में क्या करवा दो, ट्रांसफर करवा दो। ऐसे ही सर, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, मैच्योर्ड डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 3 पॉइंट है, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, मैच्योर्ड डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मैच्योर्ड मींस जिनका टाइम हो चुका, जिनकी पेमेंट बनती है, एंड सर अनपेड फॉर कितने साल, वही 7 ईयर्स, मतलब इनका तो फिक्स है 7 साल तक कंपनी वेट करे, अभी भी वो अनपेड हैं तो आप IEPF में वो पैसा क्या कर दें, ट्रांसफर, क्लियर, एंड प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन, एंड प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन, ये याद रखना हमेशा, अकेला प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, प्लस इंटरेस्ट भी इस अकाउंट में क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। नेक्स्ट इज सर, ग्रांट्स बाय सीजी, ये तो फंड ही सरकार का है, मे बी सीजी खुद इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, अरे सर सरकारी फंड है, एंड लोगों की अवेयरनेस के लिए, नाम नहीं पढ़ रहे क्या लिखा हुआ है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है वैसे सेम इन्वेस्टर्स की एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए जो फंड बनाया गया, तो ग्रांट्स बाय सीजी में भी। आगे सर, डोनेशंस बाय सीजीएसडी कंपनीज और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, इन लोगों से जो आपको डोनेशंस मिल रही हैं, इनकम रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम द फंड, इस फंड में से जो पैसा कहीं इन्वेस्ट किया गया उसके ऊपर जो इनकम मिलेगी वो भी तो इसी का पार्ट है, वो भी तो इसी का पार्ट है, क्लियर। एंड द लास्ट इज सेल प्रोसीड्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल शेयर्स, क्लियर, अराइजिंग आउट ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, मर्जर, अमलगमेशन एंड रिमेनिंग अनपेड फॉर क्या है, 7 ईयर्स। तो सर वो सारा पैसा भी, ये फ्रैक्शनल शेयर्स मतलब जैसे आपको पता है शेयर्स जो है वो फ्रैक्शन में तो सेटल होते नहीं, कि मैं कह रहा हूं जी आपको 6.753 शेयर्स देंगे, दो ही नहीं, या तो 6 कहो या 7, तो फ्रैक्शन को सेटल करने के लिए, फ्रैक्शनल शेयर्स को सेटल करने के लिए जो सेल प्रोसीड्स मिलती है ना, क्लियर, वो अमाउंट भी एंड अनपेड फॉर कितने साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए, वो सारी अमाउंट भी इस अकाउंट के अंदर, इस फंड के अंदर आप क्या करवा दीजिए, डिपॉजिट करवा दीजिए, क्लियर। वन बाय वन दोबारा पॉइंट, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कौन सा, पिछले एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका ये फंड बना हुआ था वहां से बैलेंस उठाओ यहां पे। दूसरा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन अंडर सेक्शन 124 जो प्रीवियस अभी पढ़ा। आफ्टर दैट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड जो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के लिए थी, ड्यू फॉर रिफंड एंड रिमेनिंग अनपेड फॉर 7 ईयर्स। आगे 3 पॉइंट, मैच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिमेनिंग अनपेड फॉर 7 ईयर्स, प्लस अगर इंटरेस्ट देयर ऑन अक्रूड देयर ऑन होगा। आगे ग्रांट्स बाय सीजी, डोनेशन बाय सीजी एसजी कंपनीज अदर इंस्टीट्यूशंस, डोनेशन तो किसी से भी हो सकती है बट ग्रांट गवर्नमेंट की है। आफ्टर दैट क्या पॉइंट था जी सर, इनकम रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो इस फंड में से की गई होगी, एंड लास्ट फ्रैक्शनल शेयर्स की जो सेल प्रोसीड होती है, जैसे बोनस इशू करते टाइम, मर्जर एमलगमेशन के टाइम जब कंपनीज मर्ज करती हैं, तो वो जो सेल प्रोसीड्स होंगी रिमेनिंग अनपेड फॉर 7 ईयर्स हैं, वो पैसा भी आप कहां पे ट्रांसफर करेंगे, इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर। दिस इज द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, कि इस फंड में पैसा आएगा कहां से, क्लियर, एंड कौन सा पैसा आएगा, ये क्लियर कट आपको यहां पे गिवन है। अब चलिए सर, अब क्रेडिट साइड बता दी तो साथ में डेबिट साइड भी बता दो, कि ये जो फंड है ये यूज कहां पे होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड पढ़िए जी। फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिबेंचर्स, जहां जहां से पैसा जिस जिसका आया था, अगर उनका रिफंड बनता है बिल्कुल दीजिए,
वो तेरे मैच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, एप्लीकेशन मनी, अगर पर्सन मिल गया तो आप सर इस अकाउंट में से जरूर पैसा दीजिए, क्योंकि वो पैसा था ही उनका, वो तो अनपेड था, इसीलिए आईपीएफ में आया था। अब वो पर्सन ट्रेसेबल हो चुका, मिल चुका, तो यहीं से वो पैसा उनको क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। क्लियर? एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है? विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट हम आपको अमाउंट क्या करेंगे? वापस करेंगे। अरे इंटरेस्ट तो भी इसी कारण मिल रहा है ना, इंटरेस्ट तो भी उसी के साथ अटैच है, ये थोड़ी तेरा प्रिंसिपल इतना बनता था ये ले रहे। तो विद इंटरेस्ट जो इस अमाउंट से भी अमाउंट बनी होगी ना, वो अमाउंट भी आपको साथ में दी जाएगी। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ अवेयरनेस। बाकी सर हम इन्वेस्टर्स की प्रमोशन, इन्वेस्टर्स की एजुकेशन को लेकर, सरकारी एड नहीं आती क्या जो अपनी गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट करवाती है इन्वेस्टमेंट को लेकर? क्लियर? तो जितनी सरकारी एड आती हैं, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशंस जो होती हैं, वो सारा का सारा पैसा कहां से आता है? आईपीएफ में से, वहां से डेबिट होते हैं सारे। आगे चल, एजुकेटिंग द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट आगे प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसगॉर्ज्ड अमाउंट। डिसगॉर्ज्ड मतलब छीनी हुई अमाउंट। क्लियर? अमंग पर्सन हु हैव सफर्ड लॉसेस। क्लियर? अगर मान लो किसी पर्सन को कोई लॉस हुआ एंड डिसगॉर्जमेंट वहां पे क्या हुई, प्रूव हुई किस पर्सन से फोर्सफुली अमाउंट ली गई, डिसगॉर्ज की गई, इन दैट केस आईईपीएफ आपको वहां पे कंपनसेट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस। जो क्लास एक्शन आपने सूट 37 एंड 245, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, 37 एंड 245 में आपने जो क्लास एक्शन सूट फाइल किए होंगे, केस दर्ज किए होंगे, क्लियर, केस दर्ज करने में से खर्चा तो आएगा, एक्सपेंसेस तो होते ही ना, कहने की बात है जी मैं आप पे केस करूंगा, केस करोगे तो एक्सपेंडिचर नहीं होगा क्या? वो सारे एक्सपेंडिचर्स की रीइंबर्समेंट कहां से मिलेगी आपको? इस फंड में से मिलेगी। एंड लास्ट एनी अदर इंसिडेंटल पर्पस। इंसिडेंटल मतलब इनसे मिलता जुलता कोई और अगर पर्पस होगा तो वो सारा पैसा इस फंड में से आपको क्या किया जाएगा? पे आउट किया जाएगा। क्लियर? सो ये लास्ट क्लॉज है ना, जो लास्ट क्लॉज है इसमें ओपन छोड़ दिया। ओपन मतलब हो सकता है, मतलब पर्टिकुलरली सिर्फ यही पॉइंट्स ही नहीं, साथ में क्या बोल दिया, एनी अदर इंसिडेंटल पर्पस के लिए, इससे मिलता जुलता पर्पस अगर होगा तो आईईपीएफ में से पैसा यूज हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज क्लेम्स फ्रॉम द फंड। पढ़िए जी, एनी पर्सन हु क्लेम्स टू बी एंटाइटल्ड टू एनी अमाउंट ट्रांसफर टू द फंड मे अप्लाई टू द किसको, अथॉरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी क्लेम। सर कुछ नहीं, आप अथॉरिटी को अप्लाई करें, जो भी मतलब इस आईईपीएफ की अथॉरिटी है, आईईपीएफ की अथॉरिटी को अप्लाई करें, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर तेरा पैसा बनता होगा एक्चुअली तुझे वापस किया जाए। हमने यूटिलाइजेशन के अंदर पहला ही पॉइंट आपको क्या कहा? रिफंड। मैंने यूटिलाइजेशन के अंदर पहला ही पॉइंट क्या बोला? रिफंड। अगर बनता होगा तो जरूर देंगे, बट सर हम थोड़ी देने आएंगे तेरे घर पे, अप्लाई तो तुझे करना होगा। आप अप्लाई करें, अगर आपका बनता होगा हम आपको जरूर पे आउट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज सर ये भी तो बता दो, यहाँ पे अथॉरिटी होती कौन है? ये इतना बड़ा फंड, कोई तो एडमिनिस्ट्रेशन करता होगा, कोई तो कंट्रोल करता होगा इसको। यस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी पढ़िए, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड पढ़िए जी। सीजी शेल पहली बात, इसको बनाने की पावर किसके पास थी? सीजी। तो इसकी कमेटी भी, इसका अथॉरिटी भी कौन डिसाइड करेगा? सीजी, बाय प्रॉपर नोटिफिकेशन, राइटिंग में, कहने का मतलब। क्लियर? एन अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड कंसिस्टिंग ऑफ, एक क्या लिखा हुआ है, चेयरपर्सन, नंबर टू सच अदर मेंबर्स बट नॉट एक्सीडिंग 7, एंड अ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये सर मेंबर्स होंगे इस अथॉरिटी के। आप इस अथॉरिटी को क्या करें, अप्लाई करें, एंड अगर आप प्रूव हो गए कि वो पैसे आपके हैं जो इस फंड में वो कंपनी के थ्रू आए थे, या शेयर्स भी वो आपके ही हैं, देन सर आपको वो सारा कुछ वापस कर दिया जाएगा, एंड प्लस इंटरेस्ट दे रहा हूं साथ में, इंटरेस्ट भी। क्लियर? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड पढ़िए जी। अथॉरिटी शैल एडमिनिस्टर द फंड। एडमिनिस्टर मतलब कंट्रोल करना, काइंड ऑफ, नॉट चेक करना। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, जैसे कहते हैं सारा सिस्टम मैनेज करना, काइंड ऑफ, दैट इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल करना। And maintain separate accounts and records in relation to the fund. इस fund के related जो भी books of accounts, जो भी separate accounts and records हैं, वो सारे आप time to time क्या करेंगे? Maintain करेंगे the accounts and records. अब simple सी बात है, सरकारी महकमा है,
सरकारी डिपार्टमेंट है तो नेशनल इनका ऑडिट कौन करेगा? कैग. सर द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड बाय सीजी आफ्टर कंसल्टेशन विद किसके अकॉर्डिंग? कैग. एंड अगर इसका 100% है ऑडिट होता होगा, बिना ऑडिट के इनका काम नहीं चलेगा. अरे इतना बड़ा फंड है, इतने पैसे आते हैं, इनका ऑडिट तो वैसे मैंडेटरी है. क्लियर? तो जो भी सिस्टम है ना, इन कंसल्टेशन विद कैग आपके साथ डन किया जाएगा. सीजी आपको ऑर्डर करेगा कि आपने क्या क्या रिकॉर्ड्स, क्या क्या अकाउंट्स आपने मेंटेन करने हैं इन कंसल्टेशन विद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. क्लियर? नेक्स्ट इज पढ़िए जी. चेयरपर्सन बैठा है, वो 7 मेंबर्स बैठे हैं, सीईओ बैठा है. अब आप हमसे थोड़ी पूछोगे छोटी छोटी बात कि सर इसमें से ये पैसा यहाँ पे लगा दे. भाई तेरे को अथॉरिटी किस लिए बनाया, तेरे को यहाँ पे किस पर्पज के लिए बिठाया? यू विल टेक योर डिसीजन एट इट्स ऑन. आप देखो कहाँ पैसा खर्च करना है. यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड हमने क्लियर कर दी कि 125 के अकॉर्डिंग ये पैसा आएगा और ये पैसा यहां से जाएगा. अब हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, इतने कंपिटेंट तो आप भी हो, अपने लेवल पे डिसीजन लो कहां पैसा खर्च करना है या नहीं. नेक्स्ट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स. आ गया वर्ड क्या? द अकाउंट्स ऑफ द फंड शैल बी मतलब मैंडेटरी है. ऑडिटेड बाय किसके द्वारा? कैग. एंड द ऑडिटेड अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड एनुअली बाय द अथॉरिटी टू सीजी. और वही बात है, कैग रिपोर्ट बना के इसको देगा अथॉरिटी को, अथॉरिटी नेक्स्ट आगे रिपोर्ट किसको देगी? सीजी को. सीजी आगे पार्लियामेंट में सब कुछ क्या करेगी? डिस्कस करेगी. क्लियर? यस. एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अथॉरिटी. अच्छा वही प्रोसीजर आ गया. द अथॉरिटी शैल, देख क्या लिखा हुआ है. सर आपको एक एनुअल रिपोर्ट बनानी होगी. अरे जैसे बोर्ड रिपोर्ट नहीं बनाते, बोर्ड रिपोर्ट तो नॉर्मल कंपनीज में आ गया, ये तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है. तो इनके केस में क्या होगा? सर आपके केस में ना एनुअल रिपोर्ट बनती है, पूरे साल में क्या क्या करा, कहां कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया, ये सारा सिस्टम एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्लियर बनाना होगा. नेक्स्ट इज द एनुअल रिपोर्ट शैल गिव अ फुल अकाउंट ऑफ इट्स एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ईयर. जो जो करा सारी डिटेल इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर बना कर दो. एंड कॉपी ऑफ द एनुअल रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड बाय द अथॉरिटी टू किसको? सीजी को. एंड एनुअल रिपोर्ट जो तुम्हारी ओर से आई एंड ऑडिट रिपोर्ट जो पहले मुझे मिली थी शैल बी लेड बिफोर क्या लिखा हुआ है? ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट. मुझे जवाब तो वहां देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हिसाब देने पड़ते हैं. कहां पे? पार्लियामेंट में, जहां पे दूसरी पार्टीज ओपोजिशन जो है मजाक उड़ाती है. और क्या वो पूछेंगे नहीं? ओपोजिशन का तो काम ही यही है कि इस बार की जो सेंटर की सरकार है वो जितने भी डिपार्टमेंट चला रही है कैसे चला रही है, पता उनको भी होता सारा. वो भी हम पूरी लिस्ट बना के लेके आते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मोदी से पूछने, कौन कौन से किस किस से पॉइंट्स पूछने, हिसाब दे एक एक चीज का. क्योंकि कल को जब हमारी सरकार आएगी तुम भी तो पूछोगे, अब हमारी बारी है. सिंपल सा कंसेप्ट है. पार्लियामेंट में और होता क्या? यही तो है, डिबेट्स, सेशंस, किस बात के, जो वर्किंग एट प्रेजेंट इंडिया में चल रही है. क्लियर? नेक्स्ट इज नाउ सर वर्ड. मेन सेक्शन तो कंप्लीट हो चुके, मेन तो अपने 123, 124 एंड 125 थी. अब छोटे छोटे सेक्शंस हैं बट इंपॉर्टेंट हैं. क्लियर? 126 पहला पॉइंट पढ़िए. डिविडेंड एटसेट्रा टू बी हेल्ड इन अभ्यांस. अभ्यांस का मतलब क्या होता है? होल्ड करके रखना, रोक लेना. क्लियर? होल्ड आउट. क्लियर? कि सर मे बी हो सकता है कोई रीजन के कारण हम आपको बोल रहे हैं कि अभी फॉर द टाइमिंग रोक लो सर, इन शेयर्स पे डिविडेंड आपने नहीं देना, इन शेयर्स पे कोई भी नेक्स्ट आगे आपने एक्शन नहीं लेना, बिकॉज ये शेयर्स हेल्ड इन क्या है? अभ्यांस. क्लियर? पढ़िए एप्लीकेबिलिटी पहली बात तो होगी कहां पे, पढ़िए सेक्शन 126. सेक्शन 126 अप्लाइज वेयर अ ट्रांसफर डीड इज डिलीवर्ड टू द कंपनी फॉर द रजिस्ट्रेशन. ट्रांसफर डीड मतलब शेयर्स आर ट्रांसफरेबल. शेयर्स हमारे क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं. मैं अपने शेयर्स नेक्स्ट आगे किसी पर्सन को क्या करना चाहता हूं? ट्रांसफर. मैंने ट्रांसफर डीड बनाई, बना के कंपनी को क्या कर दी? डिलीवर कर दी. कंपनी के पास जा चुकी है. बट आगे पढ़ियो क्या लिखा हुआ है. ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स इज नॉट रजिस्टर्ड बाय क्या? अभी सर वो इन प्रोसेस है. शेयर ट्रांसफर तो नहीं हुए बट डीड बन चुकी. अब यहां पे ना तो डिविडेंड मैं नए को दे सकता हूं, ना मैं डिविडेंड
पुराने को दे सकता हूं, क्योंकि ये तो शेयर्स क्या होने वाले हैं, ट्रांसफर, तो सर इनके ऊपर डिविडेंड रोक लो, डिविडेंड रोक लो, होल्ड आउट कर लो, बाद में डिसाइड करेंगे, या नीचे कुछ इफेक्ट या एक्सेप्शन अगर होंगी तो अलग बात है, नहीं इनके अगेंस्ट डिविडेंड आपको अभी देने की जरूरत नहीं, रुक जाओ अभी, पढ़ा के सर इसका इफेक्ट क्या होगा, पढ़ो, डिविडेंड इन रिलेशन टू such shares shall be transferred to the unpaid dividend. सिद्ध है सर, अपना, क्योंकि तेरे केस में क्या था, अगर डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ तो 30 डेज के अंदर आपको क्या करना होगा, पे आउट, यही था ना, बट इसके केस में तो आपने क्या कहा, डिविडेंड रोक लो, डिविडेंड को क्या कर दो, होल्ड कर दो, होल्ड पे डाल दो अभी, क्योंकि अभी इनकी ट्रांसफर डीड आ तो चुकी है बट कंपनी ने आगे प्रोसेस अभी नहीं करी, समझ गए ना, तो ये मैटर अभी इन बिटवीन है, ऐसे कर इसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ले जा, यहीं से डायरेक्टली, क्लियर, आगे However, पढ़िए, the dividend shall not be transferred to the unpaid dividend account, but shall be paid to the transferee. Transferee, transferee कौन होता है? जिसको shares transfer किए जा रहे हैं, clear? कहते जी उसको दे दो, मैं कह सर ये तो कोई बात नहीं बनी, ऐसे कैसे दे दूं, ये shares कौन सा अभी transfer हुए, आपने तो कहा था कि transfer deed आ तो चुकी but company ने नए person के against ये shares अभी transfer नहीं करे, registered नहीं करे, वो कहते आगे तो पढ़ लो, इफ द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, अच्छा रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन है, जिसने ट्रांसफर करने हैं, मेरी बात कर रहा है, ट्रांसफरर हैज ऑथराइज्ड द कंपनी टू पे द डिविडेंड टू द ट्रांसफर, फिर क्या दिक्कत है भाई, मैं खुद बोल रहा हूं कि मैंने ये शेयर्स क्या कर दिए, इसको ट्रांसफर कर दिए, एंड जो भी डिविडेंड होगा मुझे नहीं पे आउट करना, ये डिविडेंड डायरेक्टली आप उसको क्या कर देना, पे आउट कर देना, एक ऑथराइजेशन बनाकर आप कंपनी को दे दीजिए, कंपनी उसके बेसिस पे अगर ऑथराइजेशन आएगी तो, बिना कहे नहीं, अगर ट्रांसफरर कहेगा कि ट्रांसफरी को डिविडेंड दे दिया जाए तो मैं दूंगा, नहीं तो मैंने सीधा कहा था पहला पॉइंट क्या, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, इन शेयर्स के अगेंस्ट डिविडेंड को क्या कर दे, होल्ड कर दे, बट अगर ट्रांसफरर को कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कर देंगे, हम तो ट्रांसफरी को पे आउट कर देंगे, हमने तो पे आउट करना ही करना है, आगे चल, Any offer of right share or pure share before the company shall be made. एक ऊपर वर्ड आपने पढ़ा था dividend, आगे क्या लिखा हुआ था etcetera के अंदर वर्ड क्या है तेरे, right shares bonus shares, और जब तेरे को dividend नहीं दे रही तो आगे right share bonus क्या देंगे, क्या ये भी किसके कारण मिलेंगे, shares के कारण, shares ही तो अभी pending पड़े, shares ही तो अभी registered नहीं हुए next person के name, तो सर इन shares के against तीन वर्ड, dividend, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, सब कुछ पेंडिंग में डाल दो, सब कुछ होल्ड आउट कर दो, कुछ डिक्लेयर मत करना, सिर्फ एक चीज, डिविडेंड हम ट्रांसफरी को देने को तैयार हैं, अगर ट्रांसफरर मुझे क्या दे दे, ऑथराइजेशन कि आप मेरा डिविडेंड किसको दे दो, ट्रांसफरी को दे दो, देन कंपनी पे आउट कर देगी, नहीं अदरवाइज आपको पे आउट करने की जरूरत नहीं है, आगे चलिए, ओवरराइडिंग इफेक्ट, यस Section 126 shall apply notwithstanding anything containing any of the provisions of the Act. तुम्हारे previous Act में, previous मतलब ये जो पीछे sections तुम पढ़कर आए, किसमें क्या लिखा हुआ है? I don't care. मैं apply होऊंगा ही होऊंगा. Section 126 सबके ऊपर overriding effect क्या रखता है? Power रखता है. Overriding means तुम्हारी नहीं चलेगी, मेरी चलेगी. Clear line दोबारा? ये line समझ लो. Interpretation में काम आएगी. सेक्शन 126 शैल अप्लाई, ये अप्लाई होगा नॉट विथस्टैंडिंग जो मर्जी लिखा हो, एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एट लास्ट सेक्शन 126 इज द सुप्रीम, अगर ये मैटर है ना 126 ही लगेगा, बाकी जो मर्जी एक्ट में प्रोविजंस लिखी हो कोई नहीं चलेगा, क्योंकि इस सेक्शन का ओवरराइडिंग इफेक्ट है बाकी सेक्शंस पे, क्लियर है, नेक्स्ट इज फेलियर इंपॉर्टेंट 127 फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट, मेन पॉइंट तो अब स्टार्ट हुआ सर, ये बताओ अगर मान लो, वैसे आपने कहा था विद इन 30 डेज ये पेमेंट होनी चाहिए, अगर 30 डेज के अंदर ये फेलियर हो गई, इन्होंने पेमेंट नहीं करी, एंड रूल के अकॉर्डिंग वो पैसा ट्रांसफर होना चाहिए था कहां पे, अनपेड डिविडेंड में, तुम कर रहे हो डिफॉल्ट, पहली बात तो एक डिफॉल्ट तो वहीं पे हो गया था, विद इंटरेस्ट आपको अमाउंट ट्रांसफर करनी थी 12% पर एनम के साथ, वो तो करोगे, क्लियर, आगे चल, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या लिखा हुआ है, द डिविडेंड शैल बी पेड, शैल बी पेड, अगर नगद दे रहे हो, और तुमने पढ़ा था कल मोड ऑफ डिविडेंड में एक वर्ड था डिविडेंड वारंट, अगर डिविडेंड वारंट दे रहे हो ना,
शेल बी, क्या पोस्ट होने चाहिए, निकाल दो पोस्ट, ये नहीं है सर हमने बना के रख लिए जी, हम इनको डिविडेंड वारंट देंगे, नगद नहीं दे रहे, एट प्रेजेंट नहीं दे रहे, डिविडेंड वारंट दे रहे कि जब मर्जी ले सकते हैं, जब मर्जी नहीं, 30 दिन के अंदर अंदर अगर तूने ऐसी स्कीम भी दी है ना, पोस्ट इट, भेज दे कल्ले कल्ले को, उसके घर पे, उसके एड्रेस पे, जहां करना है पोस्ट होना चाहिए। और अगर कैश में दे रहा है तो अपनी आरटीजीएस आईएमपीएस जो भी बैंकिंग चैनल यूज करते हो बाय चेक निकाल दो। विद इन 30 डेज एक्शन मस्ट बी टेकन, होना चाहिए आगे, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। आगे पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट, यस पनिशमेंट फॉर एवरी, किसके ऊपर, डायरेक्टर हु इज नोइंगली अ पार्टी टू द, क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट। नंबर वन सर पहली बात तो इंप्रिजनमेंट मैक्सिमम कितनी, और वर्ड क्या लिखा हुआ है, एंड, एंड मतलब हाँ बोनस है साथ में, प्लस फाइन, किस बात का फाइन, मिनिमम 1000 पर डे फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट। तो सर क्या फायदा से काम करके, डायरेक्टर्स की जॉब इजी नहीं है, इसमें भी बहुत एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, आप देखते हो हर जगह किसको पकड़ते हैं, डायरेक्टर्स को तो पकड़ते हैं, समझ गए ना, तो मतलब तभी कहते हैं जी इनको जो हम लोग पे आउट कर रहे हैं ना, डायरेक्टर्स की जो सैलरी इतनी ज्यादा होती है वो क्यों होती है, लायबिलिटी ही किनकी होती है डायरेक्टर्स की, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही किसकी होती है डायरेक्टर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है ही मेन पर्सन ही है सारे, क्लियर। आगे एंड पनिशमेंट फॉर द कंपनी, कंपनी के ऊपर फाइन फून नहीं है, बस तुम विद इंटरेस्ट पे आउट करोगे, क्लियर, पे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल नॉट कंपाउंड, एट द रेट ऑफ कितना, 18% पर एनम, 18% पर एनम के हिसाब से जितना उनका बनता होगा आप विद इन उतने दिन के अंदर क्या करेंगे, पे आउट करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट इज, बट सर इसकी क्या कोई एक्सेप्शन है, कोई माफी, कोई रिलैक्सेशन कि हमारे ऊपर पनिशमेंट ना लगे, हैं इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए सर, दीज एक्सेप्शन आर इंपॉर्टेंट, कि ये डिफॉल्ट काउंट नहीं होगा। वैसे तो मैंने क्लियर बोल दिया कि 30 डेज के अंदर अगर आपने पे नहीं करा इट विल बी काउंटेड एज डिफॉल्ट, बट अगर ये पॉइंट होंगे तो डिफॉल्ट काउंट नहीं होगा। पहला, Where dividend could not be paid by the reason of the operation of any law. Sir, law के किसी operation के कारण, that means जैसे कोई death का केस था, insolvency का केस था, side पे लिख ले, death, insolvency, कि जहां पे हमें certain नहीं था किसको payment करनी है, कि उनका next आगे successor, legal representative कौन होगा, तो यहां पे मैं word लिख रहा हूं, death या insolvency, clear? उसके कारण आप पे आउट नहीं कर पाए, कोई इशू नहीं सर, डिफॉल्ट काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज, वेयर अ शेयर होल्डर, वेयर अ शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शन टू द कंपनी रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बट दोस डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड विद द एंड द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द शेयर होल्डर। हम तो देने को तैयार, कंपनी डिविडेंड देने को तैयार है, हमें शेयर होल्डर ने खुद कुछ डायरेक्शन दी कि मेरे को डिविडेंड ऐसे ऐसे पे आउट करो, जैसे कहता इन काइंड पे आउट करो, मैं कहा जी इन काइंड पे आउट हो ही नहीं सकता, हमें लॉ में लिखा हुआ है 123 के अकॉर्डिंग कि इन कैश ही क्या होगा, पे आउट होगा, क्लियर। या मान लो जैसे मैंने कहा कि हम कैश में पे आउट कर रहे हैं, कहता जी डिविडेंड वारंट दो, मैं कहा सर दोस डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड विद, और हमने उसको बता दिया था कि जैसे आप मांग रहे हो ना डिविडेंड, जिस वे से तुम मांग रहे हो या जो डायरेक्शंस तुमने दिए हैं सर, ये डायरेक्शंस फॉलो नहीं हो सकती, और हमने कम्युनिकेट कर दिया था, तो इसमें हमारी को गलती नहीं, हमारी को गलती नहीं, गलती किसकी है, शेयर होल्डर की, तो मेरे पे कृपा करके किसी बात की कोई पेनल्टी ना लगाई जाए, क्लियर। एंड अंडरलाइन द वर्ड सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड, मेन चीज कि सर उसने मुझे डायरेक्शंस बताई एंड वो डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं हो सकती, कहते क्या तुमने ये बात उसको बताई, क्या कंपनी ने बताई कि नहीं सर आपकी डायरेक्शंस नहीं मानी जाएगी, कहता हाँ सर बताई, फिर ठीक है तेरा डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट किसका है, शेयर होल्डर का। नेक्स्ट आगे, वेयर वेयर डिविडेंड इज लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू, अंडरलाइन अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू इट फ्रॉम द शेयर होल्डर। अरे सर मैंने आपको डिविडेंड देने 5000 रुपए मान लो डिविडेंड मैंने आपको देने, वही आपसे पैसे लेने दो शेयर होल्डर से, बट सर लॉफुली एडजस्टेड, वर्ड क्या लिखा हुआ है, कायदे से, कायदे से वो पैसा क्या किया, एडजस्ट किया, नॉट फोर्सफुली, क्लियर। जो लॉफुली बनता था, मान लो सर आप हमारे कस्टमर भी हो, आप हमारे शेयर होल्डर भी हो, एज अ कस्टमर मैंने आपसे पैसे लेने भी थे और इधर से पैसे देने भी थे, हमने आपस में क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया, बट सर मेन वर्ड इज लॉफुली एडजस्ट होने चाहिए,
अब यहां पे क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी बनेगी, वहां पे ध्यान क्या लेके जाएगा कि कंपनी धक्के से क्या कर रही है, ये पैसे एडजस्ट कर रही है, जबकि वो एडजस्ट करने नहीं बनते, तो सर वहां पे वर्ड आएगा ही जस्ट एक, यस सर, डिफॉल्ट तब काउंट नहीं होता जब कंपनी ने लॉफुली पैसा क्या किया, एडजस्ट किया, बट अगर अनलॉफुली किया वो गलत है, वो गलत है सर अपने आप में। पढ़िए आगे, वेयर वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव डिविडेंड। सर अभी ना इनका राइट टू रिसीव डिविडेंड का क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, एंड ये डिस्प्यूट में हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे पैसे किसको दें, इनको दें, इनको दें, किसको दें। हम तो कह रहे हैं जी पैसा देने को तैयार है, बट इनका ही आपस में सेटल नहीं हो रहा, एंड जब तक राइट टू रिसीव क्लियर नहीं होगा कि किसका राइट है, जैसे ट्रांसफर ट्रांसफरी के केस में आपस में लड़ पड़े, अब उस चक्कर में हमारी गलती थोड़ी है। आप कह रहे हो जी आपको 30 डेज के अंदर देना चाहिए था, मैं कहा जी मैं तो दे देता, मैं 30 डेज के अंदर दे देता, बट मुझे यही नहीं पता देना किसको है, राइट टू रिसीव किसका बनता है, एंड उसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट चल रहा है। तो सर कोई दिक्कत नहीं, कंपनी का डिफॉल्ट नहीं है, ये उनका आपस का मामला है। एंड लास्ट इज वेयर द नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑफ द कंपनी, या फिर कुल मिलाकर सिंपल सा बात है कंपनी का डिफॉल्ट नहीं है जी, ये नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड हमारी गलती नहीं है, गलती किसकी है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर की है। देन सर मतलब आपका कोई डिफॉल्ट कंपनी का डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। इसको लिख इन पॉइंट्स में, इन पॉइंट्स पे कंपनी का डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। Hence, no punishment, no punishment. वही पॉइंट क्लियर? कौन कौन से पॉइंट थे? नंबर वन इज जहां पे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ पे आउट नहीं हो पाया। नंबर टू शेयर होल्डर ने डायरेक्शंस दी एंड दोज डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड विद एंड द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम। क्लियर? नंबर थर्ड सर पैसा लॉफुली एडजस्ट किया गया अगेंस्ट एनी सम ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर जो भी था। क्लियर? नंबर फोर डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव, एंड नंबर फाइव नॉट डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी। क्लियर? कि कंपनी का डिफॉल्ट नहीं है, उनका किसी आपस में मैटर जो भी था, बस हमारी गलती नहीं होनी चाहिए, देन कंपनी का डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा और आपके ऊपर कोई पनिशमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी, नहीं तो अदरवाइज हर केस में आपको 30 डेज के अंदर पेमेंट करनी थी, एंड अगर पेमेंट नहीं करी तो आपके डायरेक्टर्स के ऊपर 2 साल तक की सजा एंड 1000 पर डे के हिसाब से फाइन, और कंपनी के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट कितना 18%। याद रखना वो 12% अलग था, वो किसका था, वो किसका था, जो अमाउंट इस अकाउंट से निकलकर अनपेड डिविडेंड में जानी चाहिए थी वो 12% उस पे था। क्लियर? और ये जो 18% है, ये 18% किसका है, जो शेयर होल्डर्स को पे आउट करना है, जो शेयर होल्डर्स को पे आउट करना है, बट मैं 30 डेज के अंदर नहीं कर पाया, मैं लेट हो गया, तो जितना लेट हो गए तो विद इंटरेस्ट 18% के हिसाब से आपको पेमेंट करनी होगी। इंटरेस्ट रेट कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट, नॉट कंपाउंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे। इन पॉइंट्स के कारण हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, यूजली मोस्टली ये केसेस होंगे, बाकी और अगर इनके अलावा भी नहीं है, वो पर्सन ट्रेस ही नहीं हुआ, वो पर्सन मिला ही नहीं हमें, हमने तो बहुत कोशिश करी, रजिस्टर्ड एड्रेस पे उसको कॉल करनी, रजिस्टर्ड ईमेल पे भेजा, नो रिप्लाई, इन दैट केस ऑल्सो, बट यूजली दीज पॉइंट्स आर क्लियर, क्योंकि ये किसी ना किसी कारण ये पेंडिंग रहेंगे, एंड जब तक पेंडिंग रहेंगे आप उस अकाउंट में तो रख ही नहीं सकते, वहां से वो पैसा आपको कहां भेजना पड़ेगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में भेजना होगा। क्लियर? यस प्लीज, नेक्स्ट आगे कौन सा, रेवोकेशन, एंड लोग खत्म ही करो फिर इसको, खत्म ही करते हैं, चलो रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड पढ़िए जी। नो रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड, ये इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छा, एक्चुअली डिविडेंड में सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये नहीं पता किस पॉइंट के ऊपर केस स्टडी आपको बनाकर दे दी। क्लियर? अच्छा रेवोकेशन मीन्स कैंसल करना, रिवोक करना, अपनी बात से मुकरना, क्या कहते हैं आप डिविडेंड रिवॉक कर सकते हैं, पढ़िए सेक्शन 127 रिक्वायर्स। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि विद इन 30 डेज पेमेंट को क्लियर कर, और अब बात कर रहे हैं मुकरने की, क्या मुकरने देंगे क्या, मतलब ही नहीं सर, यहां पे कोई अलाउड नहीं है, बट एक्सेप्शंस वही बात है हर जगह होती है। क्लियर? पढ़िए सेक्शन 127 ऑल्सो कवर सर्टेन सर्कमस्टांसेस इन विच
नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन 30 डेज डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रावेंशन। ये तो पिछला सेक्शन था जो तुम दो बॉक्स पढ़ के आए, ये दो लाइंस वही कि 127 ने ही बताया कि विद इन 30 डेज पेमेंट करो, 127 में ही लिखा गया क्या कि ये डिफॉल्ट कंपनी के नहीं माने जाएंगे। ओके, रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड इज नॉट अ ग्राउंड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्लियर। दस ऑर्डिनरली अ डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी क्या लिखा गया सर, वंस डिक्लेयर्ड कांट बी रिवोक्ड। बट इसी के नीचे देख क्या लिखी हुई है, अगर तुमसे पूछा जाए ना कि क्या डिविडेंड कभी रिवोक हो सकता है, नो, एट फर्स्ट इंस्टांस नो, बट अगर ये एक्सेप्शन में आएगा, इन पॉइंट्स में आएगा, देन हम कह सकते हैं नहीं, अदरवाइज वंस डिक्लेयर्ड कांट बी रिवोक्ड। पढ़िए, वेयर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज अल्टर वायर्स, यस, दैट इज वेयर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ऑल्दो द कंपनी इज नॉट अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट, यस, द डिक्लेयर्ड डिविडेंड कैन बी रिवोक्ड। सर फिर हो सकता है, अब अल्ट्रा वायर्स के केस में तो वैसे ही आपने पढ़ा हुआ है, अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड पावर्स, तो सर कोई भी एक्ट अगर बियॉन्ड पावर्स होगा कंपनी क्यों लायबल होगी उस केस में, वो तो मेमोरेंडम में भी पढ़ चुके आप ऑलरेडी, बेसिक्स क्लियर है हमें कि जो आइटम मेमोरेंडम को क्रॉस कर गई वो तो सर बियॉन्ड पावर हो गया, एंड बियॉन्ड पावर होना मतलब दैट एक्ट इज नॉट वैलिड ऑन द कंपनी, क्लियर, यस। हाउएवर इफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है, इलीगली डिक्लेयर डिविडेंड इज क्या कर दिया, एंड पे किसने करा होगा, तो छोड़ेंगे क्या, सिंपल सा पॉइंट, तुम्हें इलीगल वर्ड क्यों बोल रहा है, सोच, इलीगल वर्ड क्यों बोल रहा है, अल्ट्रा वायर्स है, एंड आपने पढ़ा था मेमोरेंडम से गई बाहर चीज क्या होती है, इलीगल, वॉइड होती है, और डायरेक्टर्स ने वो भी पे करवा दिया, क्लियर। द डायरेक्टर शैल बी लायबल टू इंडेमनिफाई, इंडेमनिफाई मतलब कंपनसेट, नीचे लिख कंपनसेट द कंपनी, दैट इज दे शैल बी क्या होंगे, पर्सनली लायबल, दे शैल बी पर्सनली लायबल, यस। एंड नेक्स्ट इज, मतलब एक कॉन्सेप्ट क्या हुआ, अल्ट्रावायर्स पहली एक्सेप्शन, दूसरा वेयर द कंपनी सीजेस टू बी, क्या लिखा हुआ है, और तुम्हें डिविडेंड लेने की पड़ी है, कंपनी तुम्हारी बंद होने वाली है, कंपनी तुम्हारी गोइंग कंसर्न के खतरे में है कि पता नहीं नेक्स्ट आगे कंटिन्यू होएगी या नहीं होएगी, और तुम कह रहे हो हमें डिविडेंड दो, छोड़ो परे, कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, चाहे डिक्लेयर क्यों ना कर दिया हो, बट यहां पे सवाल किसके ऊपर आया, हमारी गोइंग कंसर्न के ऊपर, तो छोड़ा नहीं, अदरवाइज वंस डिक्लेयर कांट बी रिवोक्ड, साफ लिखा हुआ था। ये भी क्यों छोड़ा, क्योंकि या तो वो डिविडेंड ही इलीगली था, अल्ट्रा वायर्स था, या दूसरा तेरी गोइंग कंसर्न पे खतरा था कि आपको नहीं पता आप नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे, इन दैट केस आपको छोड़ा नहीं, अदरवाइज मैं तो छोड़ता ही ना, समझ रहे हो पॉइंट, आगे चल, नेक्स्ट इज, यहां तक क्लियर हुआ, ये स्टूडेंट्स कोई डाउट, हर्षिता, हिमांशु, अर्चना, सुन भी रहे हो, सो गई, चलिए भी, नेक्स्ट इज एंटायरम डिविडेंड, पढ़िए जी, डेफिनेशन, डिविडेंड इंक्लूड एनी इंटायरम डिविडेंड, मीनिंग डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन द टू एजीएम्स इज कॉल्ड एन इंटायरम डिविडेंड, ये तो स्टार्टिंग में हमारा आया था कंटेंट, एंड एंटायरम डिविडेंड इज क्या लिखा हुआ है, डिक्लेयर्ड बाय द, किसके द्वारा, बोर्ड, नेक्स्ट इज The board of directors of a company may declare interim dividend during the financial year or at any time during the period from the closure of the financial year till the holding of the AGM. अरे एक मिनट, तुम्हारा पहली बात तो financial year कब close होता है? 31st March. AGM तुम्हारी कब होती है? 30th September. Usually मतलब अगस्त September जो law के according to होनी चाहिए. आप अगर, वैसे तो सर इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें, एजीएम पे डिक्लेयर नहीं कर सकते क्या, इतना भी रुक सकते, कहते नहीं कंपनी बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा कमा रही है, हम देना चाहते हैं, तो दे दे भाई, तो सिंपल सा पॉइंट, इस टाइम के दौरान ये चार पांच महीने का जो टाइम बीच में है, क्लोजर से एजीएम की डेट के बीच बीच में, या ड्यूरिंग द ईयर एनी टाइम, तुमने अगर डिविडेंड क्या किया, डिक्लेयर किया, दैट विल बी टर्म्ड एज क्या, एंटायरम डिविडेंड, क्लियर। सोर्सेस क्या होंगे सर, पहला पॉइंट सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस, ये कौन सा है, accumulated, पुराने वाला, क्लियर। दूसरा आगे पढ़ियो, प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच सच इंटरिम डिविडेंड इज सॉर्ट टू द करंट ईयर, जिस साल में एंटायरम डिविडेंड देने की बात कर रहे हो, प्रॉफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर विच सच एंटायरम डिविडेंड इज सॉर्ट टू बी, क्या लिखा हुआ है, डिक्लेयर, तो
तो सर आपको नेचुरली ये देना होगा, उसमें से आप यूज कर सकते हैं अमाउंट, या फिर प्रॉफिट्स जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रोसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एंटायर डिविडेंड। जैसे हमने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया वो करा 15 जुलाई को, कब करा 15 जुलाई को, 15 जुलाई से ये करंट ईयर आ गया ना, करंट ईयर आ गया 15 जुलाई से बैक क्वार्टर कब खत्म हुआ 30 जून, अप्रैल मई जून, तो उस क्वार्टर में जो आपने प्रॉफिट्स कमाए होंगे आप वो यूज कर लीजिए। तो सोर्सेज हमारे पास सारे अवेलेबल है, क्लियर, जहां से आप यूज करना चाहते हैं। वैसे तो सर वैसे आप करंट ही पहले यूज करेंगे देन पास्ट में जाएंगे, समझ रहे बात, ये नहीं होता डायरेक्टली एक्यूमुलेटेड में से उठा लो बैलेंस, रिजर्व में ऐसे नहीं उठाने देंगे, सबसे पहले करंट ईयर के प्रॉफिट्स क्या कर यूज कर, एंड करंट ईयर में भी, करंट ईयर में भी कौन से क्वार्टर, समझ गए बात, ये चीज। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंटरनल डिविडेंड। हां, व्हेन इज द रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल, पहली बात तो ये बताओ रिस्ट्रिक्शन लगा ही क्यों रहे हो, कहते कोई कारण तो होगा जो मैं आपको रोक रहा हूं किसी बात से, नहीं तो अदरवाइज मैंने ऊपर इतना पॉइंट पढ़ाया कभी कहां एंटायर डिविडेंड पे कोई रिस्ट्रिक्शन है आप इतना रेट ही देंगे, कहते नहीं सर पहले ये पढ़ो उल्टा रिस्ट्रिक्शन लगेगी कब एंटायर के केस में, पढ़िए वेयर द कंपनी हैज इंकर्ड क्या लॉसेस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ इमीडिएटली प्रोसीडिंग क्वार्टर। मैं कहा मेरे को ये नहीं समझ आ रही तुम एंटायर डिविडेंड दे क्यों रहे हो, पिछले क्वार्टर में अभी लेटेस्ट तेरे क्वार्टर में क्या हुआ है लॉस, और तेरे को एंटायर डिविडेंड बांटना है क्या, चलो हो सकता है फिर भी वॉट एवर, क्योंकि एक क्वार्टर में लॉस हुआ मैंने पूरे साल में तो नहीं कहा, हो सकता है तुम्हारी पोजीशन अगले क्वार्टर अच्छी हो, चलो एंटायर डिविडेंड देना चाहते हो दे लो, हमने कौन सा रोका, मनाही तो नहीं है ना कि आप दे नहीं सकते, एंड कंडीशन भी नहीं है, एंड कंडीशन भी नहीं है, बता पूरे टॉपिक में क्या ये लिखा हुआ है कि अगर कंपनी प्रॉफिट्स कमाएगी तो ही डिविडेंड देना, बता दे पूरे टॉपिक में, चाहे फाइनल है चाहे एंटायर है कभी बता दे ये लाइन लिखी हो हमें कि कंपनी के पास अगर प्रॉफिट्स होंगे तो डिविडेंड देना, करंट ईयर में प्रॉफिट्स होंगे तो डिविडेंड देना, मैंने क्या लिखा रिजर्व्स भी आप यूज कर सकते हो, दैट मींस अगर करंट ईयर में लॉसेस भी हैं तो भी आप अपना डिविडेंड दे सकते हो, बट रिस्ट्रिक्शन उधर भी थी रिस्ट्रिक्शन इधर भी है, उधर पढ़े थे ना कल अपने पॉइंट कि जो रिजर्व्स में से आप यूज करोगे तो चार कंडीशंस का फुलफिलमेंट करना, सेम यहां पे पढ़ियो इफेक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, the rate of interim dividend shall not exceed the average rate of dividend yield, वही सर जो उधर रिस्ट्रिक्शन थी यहां पे भी है, पिछले तीन साल की क्वार्टर वर्ड नहीं है, बस पहला पॉइंट क्लियर हो चुका सर, अगर आपने इमीडिएट प्रोसीडिंग क्वार्टर में लॉस लिया होगा, इमीडिएट प्रोसीडिंग क्वार्टर में अगर आपका लॉस हुआ होगा देन आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगी, पहली बात रिस्ट्रिक्शन क्या है, पिछले तीन साल की एवरेज से ज्यादा आप डिविडेंड नहीं दे सकते, क्लियर, आप पिछले तीन साल की एवरेज निकालो, मान लो एवरेज कितनी आई 12%, वो तुमने तीन साल का प्लस करा 10, 12, 15 जो भी था प्लस करके डिवाइड बाय 3 करा, जो भी एवरेज आई उससे एक्सीडिंग आपका रेट नहीं होगा, पहला पॉइंट। आगे अदर पॉइंट्स, यस प्लीज, नो पावर इज रिक्वायर्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, ये सही बात है, क्या डिक्लेयर करने की कोई पावर चाहिए होती है, नहीं सर बोर्ड के पास पावर है तो है। क्लियर, नंबर टू, एंटायरम डिविडेंड शैल ऑल्सो बी पेड विद इन, वो तो सेम था, वो तुमने पहले ही पढ़ा था कि 30 डेज के अंदर अंदर चाहे डिविडेंड कोई भी हो फाइनल हो या एंटायरम हो, डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 30 डेज के अंदर अंदर आपको वो कंप्लीट करना होगा, एंड 30 मतलब विदिन 5 डेज पैसा अलग रखो, एंड 25 डेज के अंदर अंदर आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करो, एंड लास्ट इज वंस डिक्लेयर्ड एंटायरम डिविडेंड कैन नॉट बी रिवोक्ड, ये तो मतलब ही नहीं है, इसकी तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, क्लियर, तो वंस डिक्लेयर्ड एंटायरम डिविडेंड कैन नॉट बी, क्या लिखा हुआ है, अच्छा स्पेशल लिखे एंटायरम डिविडेंड कैन नॉट बी रिवोक्ड, क्लियर, मतलब ऊपर जो पॉइंट था वो किसका था, फाइनल डिविडेंड का, कि फाइनल डिविडेंड कैन बी रिवोक्ड, यस, बट उसकी दो एक्सेप्शन है, क्या, एक अल्ट्रा वायर्स एंड दूसरा क्या था, गोइंग कंसर्न, अगर ये दो पॉइंट्स होंगे देन आप रिवोक कर सकते हो, नहीं अदरवाइज कोई रिवोक करने की पावर नहीं है। नेक्स्ट इज, ये कुछ ना छोटे छोटे केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, साथ के साथ इसको जरूर कंप्लीट किया करो, क्लियर, यस प्लीज, लास्ट टॉपिक, कंसिक्वेंसेज ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ, देख लो जी कहां से पे आउट कर रही है,
क्या अच्छी बात हुई? आप अपनी कैपिटल ही खा रहे हो। एक ऑनर ध्यान नहीं दे रहा कि तेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या गुनाह कर रहे हैं। तेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तेरा ही पैसा तुझे बांटी जा रही, तेरी ही कैपिटल तुझे खिलाई जा रही और तुम खुश हो रहे हो। सर ये तो बहुत गलत काम है। एंड पहली बात तो डायरेक्टर्स को नहीं छोड़ेंगे, डायरेक्टर्स को नहीं छोड़ेंगे जो आउट ऑफ कैपिटल क्या बांट रहे हैं, डिविडेंड। तुम्हें सोर्सेज नहीं पड़ेगा, सोर्सेज समझ नहीं आएगा डायरेक्टर्स को, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती शायद। क्या सोर्सेज लिखे हुए थे? प्रॉफिट्स, ज्यादा से ज्यादा रिजर्व्स, कहीं वर्ड कैपिटल लिखा हुआ था? और तुम कहां से बांट रहे हो? पढ़ो, पहली बात, पहला इनाम क्या लिखा हुआ है? पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। पहली बात तो सर ये पर्सनल लायबिलिटी बनेगी, अपनी जेब से जहां मर्जी से दी। और अगर तुमने दिए ना, अगर तुमने कैपिटल को हाथ भी लगाया, जितना पैसा बांटोगे उसके लिए पर्सनल लायबिलिटी तुम्हारी बनेगी, कंपनी की नहीं बनेगी। पढ़, द डायरेक्टर बिल्कुल सर, ये केस हुआ था यहाँ पे, इस केस में ये डिसाइड हुआ कि डायरेक्टर्स की पर्सनल लायबिलिटी बनेगी, कंपनी अपनी जेब से कुछ नहीं दे। क्लियर? डायरेक्टर्स राइट ऑफ इंडेमनिटी पढ़िए। Directors have a right of indemnity against the members who receive dividends, knowing that they were being paid dividends out of the capital. बिल्कुल, और directors have the right of indemnity against the members. Clear? Who received dividends? और ऐसे लेने वालों को शर्म आनी चाहिए, देने वाले तो है ही ऐसे। अब लेने वाले कहते हैं जी हम तो लेके खा गए। सर पहली बात, वो डिविडेंड इज इनवैलिड डिविडेंड, वो वैलिड था ही, वो आउट ऑफ कैपिटल बांटा था। क्लियर? तो बेसिकली जहां हमने लायबिलिटी दी डायरेक्टर्स की, वहां उन्हें एक राइट भी दिया। किस बात का राइट दिया? कि मेंबर्स से आप इंडेमनिफाई करवा सकते हैं, आप उनसे पैसा वापस मंगवाएं, क्योंकि उनका बनता ही नहीं था भाई, मेंबर्स को ये डिविडेंड देना बनता ही नहीं था आउट ऑफ कैपिटल। द ओनली सोर्स विच कैन बी यूज इज प्रॉफिट, मैक्सिमम फ्री रिजर्व, उसके अलावा कैपिटल वर्ड तो है ही नहीं। तो सर गलती दोनों की है, लेने वाले की भी और देने वाले की, समझ गए? एंड लास्ट वर्ड, नो लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। कब? वेयर डिविडेंड्स इम्प्रॉपरली पेड आउट ऑफ कैपिटल। मानते हमने गलती करी, मेड आउट ऑफ क्या करा था? कैपिटल करा था। हैव बीन मेड गुड आउट ऑफ, लास्ट में क्या लिख दिया वर्ड? सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। बट बाद में प्रॉफिट्स तो भी ले आए, प्रॉफिट्स तो भी ले आए। जैसे कई बार डायरेक्टर्स क्या होते हैं, श्योर होते हैं कि सर हमें मार्केट में अपनी प्रॉपर इमेज बनानी है, बट क्या करें सर, एट प्रेजेंट हमारे पास प्रॉफिट्स तो है नहीं। ऐसे कर, तू डिविडेंड बांट, कहां से बांट? कैपिटल में से दे दे, चिंता ना कर, अगले ही 2 महीने में हम किस में आएंगे? प्रॉफिट्स में आएंगे। हम तो कह रहे हैं छोड़ देंगे अगर तुम्हारा किया हुआ गलत काम आने वाले टाइम में क्या हो गया, सही हो गया, हम छोड़ देंगे। देन आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। ऊपर ले पॉइंट सारे साफ कि हाँ जी हाँ, तुमने तो बहुत बढ़िया काम करा, सब कुछ बदल देंगे। समझ गए ना कि तुमने बहुत सही डिसीजन लिया उस टाइम पे। बट सर अगर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स ना हुए ना, पहला ही वर्ड क्या लिखा हुआ था? पर्सनल लायबिलिटी। क्लियर? तो अगर मे बी सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स आपके हुए, देन इन दैट केस हम आपको क्या कर देंगे? रिलीव कर देंगे। क्लियर? लायबिलिटी सीजेस टू अटैच टू द डायरेक्टर। सर डायरेक्टर्स की कोई लायबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि मैंने जो गलत काम करा वो सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स के थ्रू बाद में क्या कर दिया? सही कर दिया। देन डायरेक्टर्स की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई डाउट? नीचे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, प्लस स्पेशली यहां पे जितनी भी केस स्टडीज गिवन है, दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अल्टीमेटली जितने क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द मॉड्यूल ऑल्सो, मैंने उस दिन आपको चैप्टर 10 डिस्कस करवाया था, वो इसीलिए करवाया था कि बुक अगर ओपन करोगे तभी आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं। एंड कोई क्वेश्चन वहां पे इतना हार्ड नहीं था, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे, एंड ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। द पॉइंट इज, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा, वर्ड टू वर्ड अगर आपको क्लैरिटी होगी, सर क्वेश्चन जहां मर्जी से पूछ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट है सिर्फ प्रोविजन क्लियर हो। अगर प्रोविजन तुझे क्लियर है, मेन ध्यान सिर्फ प्रेजेंटेशन की ओर दो, बाकी सर क्वेश्चंस तो आप साथ साथ जितने करते जाओगे, आप अपने आप में वैल्यू एडिशन करते जाओगे। एंड स्पेशली केसेस, वही बात, अभी टाइम मैनेज करना स्टार्ट कर दीजिए। बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूं, लास्ट में नहीं अदरवाइज हार्टसम फेल होगा ही हो। क्वांटम बहुत इकट्ठा हो जाता है करते करते, बट अभी से मैनेज करना शुरू कर दोगे तो बहुत बेहतर होगा।
आप लोग खुद ही फील करेंगे प्लस खुद ही कहेंगे कि सर हम सेकंड ग्रुप के लिए बड़े आराम से जा सकते हैं। बट अगर इन दिनों जितना डिले करोगे, आज नहीं पढ़ना जी, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, लास्ट में देखेंगे, पहली बात ये कॉन्सेप्ट याद रहेंगी, क्लियर। तुम्हें दोबारा वही वीडियोस के थ्रू सारा रिकनसाइल करना होगा, इतना टाइम किसके पास है। अभी से वन टाइम मेहनत में विश्वास रखा करो, नॉट डबल टाइम। वन टाइम इतनी मेहनत करो, सिंपल सी बात है कि सेकंड टाइम जस्ट आपने रिवीजन करनी है जी, मेरे को एज सच डिटेल में नहीं जाना, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ते हुए सारा कुछ साथ साथ लिख लिया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब पढ़ू ये सारे वर्ड्स मेरे माइंड में दोबारा एज इट इज वो लेक्चर याद होना चाहिए। समझो इस चीज को एंड मैनेज करना अभी से क्या करो, स्टार्ट करो, नहीं अदरवाइज टू लास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं डेली बेसिस पे सिलेबस हमारा गोइंग ऑन है, किस किस को मैनेज करोगे। और मैनेज तो करना है, करना है, समझ गए ना। तो ये तो है नहीं कि अल्टीमेटली बिना मैनेज करे बिना पढ़े हमारा सर जाएगा, नहीं सर। सिंगल टाइम मेहनत में विश्वास रखो कि वन टाइम अटेम्प्ट देनी है, वन टाइम में क्लियर। अपना वो काम नहीं है, अपना वो काम नहीं है डबल डबल मेहनत करेंगे बाद में फिर बुक्स खोलेंगे, ना ना सर, अपन तो कभी करा नहीं, समझ गए ना। पहली बार भी बोथ ग्रुप, फाइनल भी बोथ ग्रुप, बस एक बार पढ़ूंगा दोबारा नहीं पढ़ूंगा। आज करवा ले, जितनी मेहनत करवानी है उतनी करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। बट बार बार मेरे बुक्स, मुझसे बुक्स नहीं खुलेंगे। आज 10 क्या 12 क्या 14 घंटे लगवा ले, 16 घंटे पढ़वा ले, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 6-7 महीने, उसके बाद फ्री हूं, उसके बाद कुछ नहीं करना अपने। बट सर ऐसा अगर सोच रहे हो ना, अच्छा सा लगता है फीलिंग एक बार, पर वो ऐसे नहीं आएगा, मेरी भी कुछ कंडीशंस हैं बीच में। मैं ये भी बोल रहा हूं कि सर 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे, 12 घंटे क्या है, 6 घंटे तो आपके हम लगवा रहे हैं यहाँ पे, 6 आवर्स की शिफ्ट तो हमारी लग रही है एट प्रेजेंट। अगर घर पे जाके आप 4 घंटे भी दे पा रहे हो ना, सफिशियंट है, 10 घंटे बहुत, 4 घंटे भी आप निकाल पा रहे हो, मतलब ईच सब्जेक्ट 1-1 आवर अगर निकाल रहे हो ना, दैट इज सफिशियंट। बट सर मैनेज करना शुरू कर दो, कर दो, स्पेशली बोल रहा हूं, क्लियर। लास्ट में यही आप लोगों के लिए ना कंफ्यूजन का पॉइंट बन जाएगा कि किसको मैनेज करें, सर पहले उसको पढ़ें या नया पढ़ें। अगर अभी से बर्डन स्प्लिट कर लोगे, बांट लोगे, नेक्स्ट आगे आप मतलब नए कॉन्सेप्ट के लिए प्रिपेयर रहेंगे, हाँ सर पिछला तो हो चुका, उसमें तो हमने कुछ करना ही नहीं, समझ गए ना। तो अभी से इस चीज की आदत डालो, ये डर नहीं है, ये सच है, ठीक है ना, ये डर नहीं है। आपको फीलिंग तो होता होगा हाँ सर मतलब डरा नहीं रहा, मैं सच बता रहा हूं, रियलिटी में जो चीज आगे फेस होगी, अगर माइंड मेकअप पहले रहेगा ना कि हाँ सर ये फेस होना है, मैं तो आपको पहले बता रहा हूं, अगले 2 महीने अगले 3 महीने तुझे आज बता रहा हूं कि ये चीज होगी, तो उसको उसका इलाज क्या है, आज से ही उसको स्प्लिट करना, क्या कर दो थोड़ा कर ले, बट कर तो ले। किसने कहा कि सारा का सारा नाच भावुक हो गए, इमोशन हो गए, पूरे बैठ गए शाम को, इतना पढ़ लिया अगले दिन वैसे भी बीमार पड़ गए, ऐसा भी नहीं कहा, मैनेज करने को कहा है, मैनेज करने को कहा है, क्लियर। सो ये अपन लेक्चर पे फिर बात करेंगे, क्लियर। सो पेमेंट ऑफ डिविडेंड आज आपका क्या हुआ जी, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आप लोगों का टेस्ट है जो मैंने आपको बताया था, Chapter 9 and Chapter 10, क्लियर। थोड़ी देर में ग्रुप के अंदर आपको मैसेज कर दूंगा अकॉर्डिंग टू द क्लास जो भी आपका होगा, बट टेस्ट आपका होगा, क्लियर। एंड प्रॉपरली पढ़कर आना, मैं बार बार कह रहा हूं मुझे खाली शीट्स नहीं चाहिए, एंड स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, क्लियर, मुझे खाली शीट्स नहीं चाहिए। प्रॉपरली इसको रीड आउट करें, पढ़कर आए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना क्या दें, टेस्ट, एंड इट विल बी रिपोर्टेड टू द पेरेंट्स आल्सो, क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप अपनी प्रेपरेशन करें, एंड अकॉर्डिंग टू दैट मुझे टेस्ट चाहिए। ये ही नहीं है स्कूल की तरह कॉलेज की तरह खाली शीट दे दी, यहां नहीं चलेगा सिस्टम भाई, पहले बता रहा हूं, यहां सिस्टम अलग है, एंड रिजल्ट्स हैं तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस कारण आ रहे हैं ना वही रिजल्ट्स की सर्टेनिटी मेंटेन भी करनी, क्लियर है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट मुझे क्या चाहिए, यहां पे रिजल्ट मिलना चाहिए, क्लियर। ओके जी, थैंक्स अ लॉट।